हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नेहा मौर्य, आपके अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि गर्मियों का सीजन चल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो लोगों का कुछ ना कुछ तो पीने का मन करता ही करता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही अच्छी ड्रिंक, वो भी वाटरमेलन से। तो जिसके लिए सबसे पहले आपको सोडा चाहिए होगा, इससे ड्रिंक बहुत अच्छी बनेगी, वाटरमेलन मोजिटो बनाएंगे। और उसके बाद आपको चाहिए होगा पुदीने के पत्ते काफ़ी सारे और 2 लेमन का जूस। और इसके बाद यहाँ पर हमने लिया हुआ है 1 चम्मच भर के काला नमक है, और 4 से 5 आप चीनी ले सकते हैं। शुगर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं और ऐसे वाला भी यूज कर सकते हैं। तो वाटरमेलन काफ़ी मीठा होता है, तो इस हिसाब से आप चीनी ऐड कर सकते हैं जितना मीठा आपको बनाना हो। तो यहाँ पर मैंने 1/2 वाटरमेलन पूरा लिया हुआ है। अभी इसको आपने काट लेना है, छील लेना है और इसके छोटे छोटे पीसेस कट करके आपको तैयार कर लेने हैं। वाटरमेलन का थोड़ा सा छोटा छोटा पीस कट करके आपको बाहर निकाल लेना है, उसको बाद में हम गार्निशिंग में काम लाएंगे। और ये देखिए, हमने पूरा आधा तरबूज काट के तैयार कर लिया है और इसका बीज मैंने नहीं निकाला है। अभी इसको ऐसे ही हम मिक्सर जार में ऐड कर लेंगे, शुगर ऐड कर लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अभी इसको हमने ग्राइंड कर लिया है, बहुत जल्दी पीस जाता है, बिल्कुल 1 राउंड आपको चलाना होता है मिक्सर, उसके बाद ये पीस ही जाता है। और अभी इसको हमने छान लेना है इस तरीके से छन्नी में। बीज आपका बाहर निकल आएगा, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, आपका जो जूस है वो बाहर आ गया है। तो अभी क्या करना है कि नींबू के पतले पतले पीसेस काट के आपको लेने हैं, पुदीना इसको आपने, नमक भी ले लेना है साथ में। अब इसे हम कोट लेंगे। क्या होता है कि लोग ग्लास में डायरेक्टली जो है कर लेते हैं, लेकिन उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, तो हम अलग से इसको कोट लेंगे, उसके बाद इसे हम ग्लास में ऐड कर लेंगे। तो जूस मैंने ऐड कर लिया है लेमन का, पुदीना, नमक, और अभी इसमें हमने आइस क्यूब्स ऐड कर लिए और थोड़ा सा हमने कटे हुए तरबूज ऐड कर लिया, और जो वाटरमेलन का जूस था हमने वो भी इसमें ऐड कर लिया है। आधा वाटरमेलन रखना है और आधा आपने इसमें सोडा ऐड करना है। टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, जितना ज़्यादा चाहें आप सोडा ऐड कर सकते हैं, ये आपके पसंद के ऊपर है। पर बहुत ज़्यादा सोडा हो जाएगा तो फिर वाटरमेलन का टेस्ट नहीं आएगा। तो दोनों को हमने 1/2-1/2 रखना है। अभी हमने इसमें ऐड कर लिया है सोडा, अब अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि नींबू का रस, नमक अच्छे से मिल जाए जूस में। अभी थोड़ा सा सोडा हम और ऐड करेंगे, क्योंकि झाग की वजह से भर गया था और बाद में वो थोड़ा सा खाली हो गया था। अभी इसको हम डेकोरेट कर देंगे थोड़ा सा पुदीने के पत्ते से, तरबूज के पीस से और नींबू के स्लाइस से। तो हमारा समर रिफ्रेशिंग ड्रिंक तैयार हो गया है, इसे बोलते हैं वाटरमेलन मोजिटो, कॉकटेल भी बोल सकते हैं इसे। और आप इसे गर्मी में बनाइएगा, पीजिएगा, अपनी फैमिली को भी पिलाइएगा। जब भी आप बाहर से आते हैं इसे बना के पीजिए, बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में बन के तैयार भी हो जाता है। रेस्टोरेंट वगैरह में जब आप ऐसी कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हो तो वो 1 कोल्ड ड्रिंक आपको बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। इस तरीके से आप घर में बहुत ही कम खर्चे में बहुत ज़्यादा ड्रिंक तैयार कर सकते हैं, आप भी पी सकते हैं और अपनी फैमिली को भी पिला सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी गर्मियों के सीज़न में आपके घर में कोई भी मेहमान आता है तो आपकी आदत पड़ी होती है जो है कोल्ड ड्रिंक लाने की, तो यार कोल्ड ड्रिंक की जगह आप सोडा ले आइए। और तरबूज का सीज़न चल रहा है, इतना अच्छा तरबूज मिलता है मार्केट में, वो ले आइए और ऐसे ड्रिंक बना के उन्हें पिलाइए। वो भी सोचेंगे कि यार तरबूज तो है पर तरबूज जैसा टेस्ट नहीं है, थोड़ा सा अलग आ रहा है, अच्छा लग रहा है, सोडे की वजह से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और बच्चे को बाहर का पीना बहुत पसंद होता है, आप अपने बच्चों को इस तरीके से बनाकर अच्छे से डेकोरेट करके उन्हें दीजिए, वो भी खुश हो जाएंगे इसको देख के भी और पी के भी। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, इससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आपकी स्क्रीन पर आपको 4 ऑप्शन शो होंगे, तो वहाँ से आप कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। और एक जो है काला बटन है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वहाँ से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।